तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी, ये सेक्टर 14 में वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो वो आपको नॉर्थ फेसिंग है, 1900 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है, फर्स्ट क्लास लेआउट है, पीछे बैक साइड पार्क में पार्क आता है इसका और 4 BHK बना हुआ है। इसमें आपको देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4 सबका अपना अपना डेडिकेटेड लेन पार्किंग का रहेगा। 4 गेट दी गई है इसमें, प्रॉपर इसमें काम किया गया है मार्बल का। और ये इसका हो गया फ्रंट फजार जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। और इसमें सेंडल ब्रांड की लिफ्ट आएगी जो कि टॉप तक जाएगा। और एक बार दिखाना चाहूँगा मैं आपको पार्किंग एरिया, और फर्स्ट क्लास का डिज़ाइन है, सारे फिटिंग जितने भी बाथरूम लगे आपको सारे कोलर के लगे हुए हैं। और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की तो सारे में ही काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर, ये लाइट्स प्रॉपर लगी हुई है इसमें। और यहाँ पे जो है 4 गेट रहेगा डेडिकेटेड पार्किंग के लिए, सर्वेंट रूम भी मिल रहा है इसमें कुछ 4 जो कि मैं दिखाना चाहूँगा ये भी। और यहाँ एक ऑफिस टाइप का कुछ बनाया है इन्होंने, यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 सर्वेंट रूम रहेगा, बैक साइड पार्क है। और ये लिफ्ट का स्टेयर केस एरिया हो गया, सैंडल ब्रांड की लिफ्ट आएगी इसमें, प्रॉपर मार्बल का काम किया गया है फ्लोरिंग में जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ विंडो लग जाएगा प्रॉपर। और सैंडल की लिफ्ट आएगी यहाँ पे। स्टेयर केस की बात करूँ तो इसमें प्रॉपर काम किया गया मार्बल का, स्टील की रेलिंग दी गई है, विंडो का प्रोविजन दिया गया है, मूविंग ऑन टू फ्लोर एरिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लिफ्ट सैंडल ब्रांड की लिफ्ट आ रही है, टॉप तक आएगी। और स्टेयर केस में प्रॉपर काम किया गया है, स्टील की रेलिंग का प्रॉपर इसमें मार्बल का काम किया गया स्टेयर केस में। और इन्होंने सेपरेट कर दिया है जिनका विथ रूफ राइट नहीं रहेगा वो यहाँ से जाएंगे आएंगे, ये सब सेपरेट है, हाथ हो गया प्रॉपर। और जिनका विथ रूफ राइट नहीं रहेगा उसका अप्रोच यहाँ से दिया गया है, लैडर से ऊपर चले जाओगे आप, 1500 लीटर का आपको सुप्रीम का सिंटेक्स इसमें आ रहा है। और इसमें अभी टाइल लगेगा प्रॉपर, फुट लाइट्स का सारा काम इसमें किया गया है। मैं बताना चाहूँगा चूँकि इसमें टॉप फ्लोर तो बिक गया है विथ रूफ राइट, तो जो नीचे के फ्लोर्स लेंगे उनके लिए जो है 2 अप्रोच दिया है, गेट दिया गया है, एक यहाँ से गेट है एक इधर से गेट है। तो जिनका राइट नहीं रहेगा वो यहाँ से अपना छत में जो भी आपको सिंटेक्स में काम कराना है वो कराएंगे, डिश टीवी लगाना है वो डिश टीवी लगाएंगे। और ये तो 4th फ्लोर तो वैसे सोल्ड आउट हो चुका है, मैंने दिखाया चूँकि इसमें 2 साइड ओपन है ना रास्ता, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टॉप फ्लोर। और इसमें लिफ्ट जो है फ्रेंड्स वो टॉप तक आएगी, छत तक आएगी, सैंडल ब्रांड की लिफ्ट आएगी छत तक। ये मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली सेक्टर 14 में 3352 स्क्वायर या प्लॉट साइज है। और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट में एंट्री करते हुए वो नॉर्थ फेसिंग है, पूरा इटालियन देखो वहाँ से ही। जब आप इसमें ये आपका लिफ्ट है, सैंडल ब्रांड की लिफ्ट आ रही है, यहाँ देख सकते हो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन से काम करा हुआ है और पूरा इटालियन है ये। और अगर बात करो ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया की, देख सकते हो इसमें फॉल्सरिंग का भी काम हुआ है, फर्स्ट क्लास पूरा इटालियन फ्लोरिंग का काम इसमें किया गया है। और मैं आपको समझाता हूँ लेआउट क्या है नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी फेसिंग है ये आपका वेस्ट फेसिंग है, फ्लैट में जो एंट्री करते हुए वो नॉर्थ फेसिंग हो गया, 2 कमरे यहाँ है, आइलैंड किचन बनी हुई है इसमें आपको, और 2 कमरे पीछे हो गए, और ये यहाँ पे पाउडर रूम है जो आपको डोर दिख रहा होगा। ये लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करो इसकी स्क्वायर फिट की फ्रेंड्स, तो ये 1900 स्क्वायर फिट कार्पेट एरिया है, फर्स्ट क्लास का डिज़ाइन है, बेहतरीन सा बना हुआ है ये। और ये हो गया इसका किचन एरिया, फिटिंग्स में जितने भी कोलर ब्रांड के फिटिंग्स आएंगे यहाँ सारे टैप्स रखे हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हो। ये लाइट्स में ऑन कर देता हूँ एक बार, आप देख पा रहे हो कोलर के सारे फिटिंग्स हैं इसमें। और इसमें एक बाथरूम है जो ये मेरे 3rd बेडरूम में मास्टर बेडरूम है, इसमें जकूजी यहाँ रखा हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ जकूजी, ये देख सकते हो आप, ये जकूजी है जो कि मिलेगा आपको, ये भी कोलर का सारे ब्रांडेड हैं, सारे ब्रांडेड यूज़ किए गए हैं इसमें, और 3rd बाथरूम में लगे, काफ़ी बड़ा साइज़ के बाथरूम में हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें टॉप फ्लोर बिक गया है, नीचे के 3 फ्लोर बचे हुए हैं, प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी 1st बेडरूम। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें वुडन टाइल्स का काम किया गया है जो कि आप देख पा रहे हो कि बेहतरीन सा इसमें इन्होंने काम करा हुआ है, देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है ये। फॉल्सिंग का काम हुआ है, यहाँ पे 2 स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं आप, ग्लास डोर, यहाँ पे टीवी पैनल का प्रोविजन दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होगे।
और इससे अटैच सी वाशरूम है, ये वॉकिंग क्लोजेट है, लाइट से ऑन कर देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस डिज़ाइन का वार्डरोब मिल रहा है आपको इसमें, और ये वॉशरूम हो गया। इससे अटैच फिटिंग जितने भी सारे कोलर ब्रांड की फिटिंग्स हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फिटिंग्स हैं इसमें। ये आप सारे कोलर्स की फिटिंग है इसमें, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कोलर, जो कि आप देख सकते हो ये कोलर इसमें दिया हुआ मेंशन। और ये वॉश बेसिन हो गया वारंटी के साथ, और ये वॉशरूम का डिज़ाइन है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये इसे अटैच वॉशरूम हो गया। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी, और ये जो है फ्रंट बालकनी हो गई, प्रॉपर इसमें टाइप का काम किया गया है, टफन ग्लास में लगी हुई है फर्स्ट क्लास। और ये बालकनी हो गई, ये इसका रैंप एरिया है फर्स्ट क्लास। ये डोर का डिज़ाइन है ये, और ये इसका हो गया किचन एरिया। अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की, तो इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, इटालियन फ्लोरिंग का, फिटिंग सारे इसमें कलर के रहेंगे इसमें, और फॉसिन का भी काम हुआ हुआ है। प्रॉपर मॉडलर किचन बनी हुई है जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आइलैंड की आइलैंड दिया हुआ दिखा, आइलैंड किचन है, और यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का। साइड डोर्स मिल रहे हैं इसमें आपको फर्स्ट क्लास, यहाँ पे साइड बाय साइड की फ्रिज आ जाएगी, ओवन के लिए यहाँ स्पेस दिया हुआ है, और ये पैंट्री मिल रही है इसमें आपको। यहाँ पे चिमनी का प्रोविजन दिया है, सारा डमी लगा हुआ, सारा हाइट हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो है डोर सिंक के साथ मिल रहा है आपको, फिटिंग सारे कॉलर के आएंगे इसमें। और यहाँ पे वेट एरिया ये, और ये इसमें आप देख सकते हो इस ब्रांड की इसमें लगी हुई है प्रॉपर, ये सारे सॉफ्ट फ्लोर है। ये स्लाइड डोर्स दी गई है इसमें, ये बालकनी हो गया, आउटर से सारे पोजन यहाँ पे दिए गए हैं, और सारे इटालियन है। फ्लोरिंग की बात करूँ मैं तो कुछ वुडन वर्क इस यहाँ पे किया गया है जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है। ये सेकेंड बेडरूम, मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें भी वुडन टाइल्स का काम किया गया जो कि आप देख पा रहे हो, फॉल्सिंग का काम हुआ हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो है वार्डरूम मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको डी पैनल का प्रोविजन दिया गया है, और साइड डोर्स मिल रहे हैं इसमें, और इसके अंदर वॉकिंग क्लोजेट बना हुआ है, वॉशरूम में ही बना हुआ है ये, और ये ऊपर तक है इंटैक्ट। और फिटिंग्स जितने भी हैं फ्रेंड्स, सारे कोलर ब्रांड के फिटिंग्स हैं। ये शावर एरिया हो गया इस तरफ, और यहाँ पे कमोड लगी हुई है इस तरफ, विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है, और यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगी इस तरफ, और टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर फ्लोरिंग में, वो डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन सा है। और ये भी कनेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स फ्रंट बालकनी से, जो मैंने दिखाया था आपको, भी एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। टाइल लगी हुई प्रॉपर इसमें, गैस के लिए दिया हुआ पाइप पॉइंट। मूविंग ऑन टू दी ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया, और इसमें अगर बात करें फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है इटालियन फ्लोरिंग का, फॉल्सिंग का भी काम हुआ हुआ है। और ये इसका पाउडर रूम हो गया, एक बार दिखा देता हूँ। फिटिंग्स जितने भी रहेंगे सारी कॉलर की फिटिंग्स रहेंगे इसमें। यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगी, वहाँ कमोट आ जाएगी, और ये उसका हो गया फ्रेंड्स। ये आपका यहाँ पे ये वाला किचन हो गया, और ये ड्राइंग रूम हो गया फर्स्ट क्लास, फॉल्सिंग का काम इसमें हुआ हुआ है, साइड डोर्स मिल रहा है इसमें, और यहाँ पे डी पैनल का प्रोविजन दिया गया है, पार्टीशन किया गया है इसमें डिज़ाइन। और मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। और अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की, तो इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है टाइल का, फॉल्सिंग का काम हुआ है, वुडन फ्लोरिंग इसमें हुई हुई है सीलिंग, और एसी का यहाँ प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे इस तरफ बेड आ जाएगी आप किंग साइज की, वॉलपेपर इसमें पीओपी वर्क हुआ हुआ है इस वॉल पे, और यहाँ पे जो है टी इस पर कुछ डिज़ाइन होगा वुडन का। और ये जो है मास्टर बेडरूम का, मास्टर साइज का ये वॉशरूम है। और यहाँ पे जो इस तरफ जो फ्रेंड्स, यहाँ पे जकूजी आएगी जो मैंने दिखाया था आपको, और यहाँ इस तरफ जो है ये आपका रहेगा वॉश बेसिन एरिया, कमोट एरिया,
और ये वाला शावर एरिया, और ये जो है यहाँ पे वार्डरोब आएगा, वार्डरोब बनेगी, और विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है इसमें, और इसमें फ्लोरिंग में भी प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे, और इसमें भी वुडन सीलिंग का काम किया गया है। फिटिंग सारे इसमें कोलर ब्रांड की आएगी। मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी, और इसमें भी प्रॉपर टाइल का काम किया गया है, आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें, जो कि आप देख पा रहे होगे। आउटर्स के लिए सारे यहाँ प्रोविजन दिए गए हैं, पाइप सारे हाइट हो जाएंगे ये, और पीछे जो पार्क है फ्रेंड्स, ये आगे भी अच्छी लोकेशन है पीछे, ये आप देख पा रहे हो कि पूरा पार्क का यहाँ पे ये रैम बना हुआ टहलने के लिए, फर्स्ट क्लास लोकेशन है ये, खुला खुला रहेगा, एरी रहेगा काफ़ी। और मूविंग ऑन टू द फोर्थ बेडरूम, अगर बात करें उसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे हो कि फॉल्स सीलिंग का काम हुआ हुआ है इसमें, और यहाँ इस तरफ जो है टी पैनल का प्रोविजन दिया गया है, और ये पीछे पार्क हो गया। एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से मैं आपको, जस्ट आइडिया ले लो आप, देखो पीछे पार्क है, ये काफ़ी बड़े साइज का पार्क है, फर्स्ट क्लास लोकेशन है ये, और ये स्पेस छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉपर इस तरफ जो है आराम से आपका दो टैप यहाँ पे आ जाएगी, पाइप सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। आउटडोर्स के सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू द वॉशरूम एरिया, इसके अंदर भी ये वॉकिंग क्लोजेट हो गया, और इसके अंदर वॉशरूम हो गया फ्रेंड्स। फिटिंग सारे इसमें जैगवार, सॉरी इसमें फिटिंग सारे रहेंगे कोलर के ब्रांड के फिटिंग्स, और ये वॉशरूम का डिज़ाइन हो गया फ्रेंड्स। ये जो है इस तरफ वॉश बेसिन है, कमोड है, शावर एरिया है, और फिटिंग सारे कोलर के रहेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, 352 गज प्लॉट साइज़ है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। ये कुछ वॉलपेपर इन्होंने कुछ डिज़ाइन किया हुआ, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स, और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग भी रहा है ये, और ये आपको 1.5-2 महीने में पोजीशन दे देंगे ये। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए। तो बाय, टेक केयर, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द प्राइस एंड ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।